नोएडा के थाना फेज टू पुलिस ने एक 8 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक बुजुर्ग शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बुजुर्ग ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपनी दुकान में बुलाकर उससे अश्लील हरकत की थी। बच्ची द्वारा इस घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी गई। थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जाँच पड़ताल पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस ने आज बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एक पीड़ित व्यक्ति ने थाना फेज टू में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी नाबालिग है और उसके साथ खान मीट शॉप पर एक शख्स द्वारा अश्लील हरकत की गई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में पुलिस को पता चला कि खान मीट शॉप के मालिक ने बच्ची के साथ ये घटना की थी। घटना के बाद से बुजुर्ग फरार था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।